तो अपने डायमंड वाले विलेज में टहलते टहलते मुझे आइडिया आया कि क्यों ना तुम लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं, इसलिए मैं सीधा पहुंच गया अपने कमेंट सेक्शन में जहां पे तुम लोगों ने भर भर के कमेंट कर रखे हैं। और कमेंट को पढ़ते पढ़ते मैंने नोटिस किया कि तुम लोग मुझे कमेंट्स में चैलेंज देते रहते हो माइनक्राफ्ट से रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हीं को ट्राई किया जाए। जो भी तुम लोगों ने चैलेंज दिए आज उनको पकड़ के, मतलब जो तुमने चैलेंज दिया उनको आज कंप्लीट करेंगे। और तुम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ऐसे कमेंट कर रखे हैं जिनको मैंने कंप्लीट करने की ट्राई भी कर ली, तो मुझे पता है मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। यस, तुम लोगों ने ऐसे खतरनाक वाले चैलेंज दे रखे हैं, देखो पर जो होगा देखी जाएगी। ऐसा सोचते हुए मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग चैलेंजेस पिक किए हैं जिनको देख के मुझे ऐसा तो लग रहा है कि अगर मैंने इनको करने की ट्राई भी करी तो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। हो सकता है कि इसके करने के बाद मेरा हार्डकोर वाला वर्ल्ड खत्म हो जाए और शायद मैं उसमें आज मर भी जाऊं, तो जो होगा देखी जाएगी। चलो ऐसे जाना नहीं चाहिए यार, पर कोई नहीं, ट्राई करेंगे भाई चैलेंज जो भी है तुमने दिया है, सुन के अच्छा लगा। तो देखो यार, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अपने हार्डकोर वर्ल्ड को रिस्क पे लगा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग भी यार चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें फटाफट से यार 1 मिलियन तक पहुंचना है, तो सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी हार्डकोर वर्ल्ड आज बचेगा या फिर उसका रेस्ट इन पीस हो जाएगा, देखते हैं। चलो आगे वीडियो में। तो पहला चैलेंज है फाइट विद 3 वार्डन एट द सेम टाइम इन योर हार्डकोर वर्ल्ड। मतलब हार्डकोर वर्ल्ड में 3 वार्डन के साथ एक साथ फाइट करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेंगे। पता है नहीं होगा आपसे। अब देख तू भाई ने अपने को चैलेंज दिया 3 वार्डन के साथ एक साथ फाइट करनी है। भाई थोड़ा मुश्किल तो होने वाला है, पर चलो कोई नहीं, सबसे पहले मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। लेकिन रास्ते में थोड़े से ये सस्ते वाले अंबानी जी मिले हैं, तो पहले इनको जरा निपटा लेते हैं। लेकिन ये भाई नहीं, पूरी फौज लेके आया। नहीं, अरे नहीं भाई, भाई वेट अ सेकंड, भाई क्या था ये? अरे नहीं, कहाँ से मार रहे हो? ओ नहीं, ओ इतना दूर भी, भाई मेरे को सोने दो। भाई तुम बड़े बहुत गंदे यार ये स्केलेटन। मैंने आर्मर नहीं पहन रखा था ना अपना भाई, लेकिन इतना डैमेज तो मैंने पहली बार देखा। भाई मेरा आर्मर ठीक तो है, बस मैंने इलाइट्रा पहन रखी है बस। भाई साफ सही आगे मजे, बड़ी देर से मार जा रहा भाई, भाई पूरी हालत खराब कर दी यार, पता नहीं कितने मार। देखो भाई इतनी जल्दी इतने तीर मार के, भाई साहब। खैर छोड़ो, मैं फोकस, भाई मेरा पूरा फोकस हिल गया, मैं क्या बात कर रहा था और कहाँ पहुंच गया भाई बताओ। हाँ, अरे नहीं भाई साहब, क्या ही टाइम पे देखा है, रुक जा तू भी थोड़ा सा प्यार से एक तीर खा ले। यस, देखो वहां जाने से पहले मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो कि है देखो 3 वार्डन के साथ फाइट करना थोड़ा तो मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने एक आइडिया लगाया कि मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाएंगे। प्रिपरेशन के नाम पे मैं कुछ नहीं लेके जाने वाला, सिर्फ टोटम लेके जा रहा हूँ भाई, TNT कॉफ वेब कुछ नहीं, लावा वगैरह कुछ नहीं लेना भाई, अपने को कुछ चाहिए ही नहीं। बाकी बीच में छोड़ो, इन सब का तो चलता रहेगा। मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा एक एंशिएंट सिटी में, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं कितनी ज्यादा आसानी से 3 वार्डन को मार दूंगा, वो भी भाई बहुत ही इजीली। अच्छा भाई ने चैलेंज ये, एक सेकंड यार टकरा क्यों रहा हूं मैं, भाई ने चैलेंज ये सोच के दिया होगा कि मेरा हार्डकोर वर्ल्ड खत्म हो जाएगा भाई मैं 3 वार्डन के साथ फाइट करूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं एंजन सिटी में तो आ चुका हूँ और मेरे पास एक तगड़ा वाला आइडिया आया जिसकी मदद से मैं 3 वार्डन को इतनी ज्यादा आसानी से मार दूंगा ना भाई, कोई मतलब पता ही भी नहीं चलेगा भाई, इतनी जल्दी मैंने 3 वार्डन को निपटा दिया, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ी बहुत वूल जमा कर रहा हूँ। देखो भाई ने बोला 3 वार्डन को एक साथ मारना है, कैसे मारना है भाई ये डिक्लेयर नहीं किया, देख लो भाई। अब देखो मैं कैसे मारने वाला हूँ भाई, ये देखो, ये मत बोला मैं चीटिंग करता हूँ, भाई मैं चीटिंग करता ही नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा सा नीचे जाना है। अब देखो ये रहा वो स्पॉनर जिससे वो यहाँ पे वार्डन स्पॉन हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे आइडिया करने वाला हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे सबसे पहले फूल लगानी है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे ना, पहले पूरा ढक दो भाई, सारा ढक दो जितना भी, ताकि स्पॉन ही ना हो, कोई रिस्क लेना ही नहीं है भाई अपने को अभी फिलहाल। तो देखो यहाँ पर बना दिया मैंने एक चैम्बर, इसके अंदर स्पॉन करा दूंगा मैं 3 वार्डन को और बाहर से तीरों से मार दूंगा भाई। देख रहे हो मेरा प्लान, देख रहे हो क्या ही जबरदस्त वाला प्लान बनाया तुम्हारे भाई ने। अब ये मत बोलना मैं चीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये फूल हटानी पड़ेगी पहले। तो बस फाइनली यहाँ पे हो जाएगा एक वीदर स्पॉन, जिसके लिए बस मुझे इसको लगा के यहाँ से भागना है। स्पॉन हो जल्दी, स्पॉन हो जा, फटाफट स्पॉन हो भाई, मैं सब तोड़ रहा हूँ, इतना शोर मचा रहा हूँ, अभी भी स्पॉन नहीं करा रखे ये भाई, करा दे यार स्पॉन, मैं चिल्लाऊं क्या तब स्पॉन कराएगा भाई, करा जल्दी स्पॉन करा भाई, ये ले और फेंक दिए, ये तो आवाज करते भी नहीं होंगे। बाकी फाइनली वार्डन स्पॉन हो रहा है नहीं हो रहा भाई, हो जा यार, और कैसे आवाज करूँ, हो जा जल्दी, हो जल्दी स्पॉन हो भाई, फटाफट हो जा, हो गया। अरे भाई स्कैम हो गया, ये तो बाहर स्पॉन हो गया भाई, स्कैम हो गया ये बाहर स्पॉन हो गया, भागो मम्मी भाग भाई, मैं इतनी तैयारी करके नहीं आया था, मैं मर जाऊंगा भाई, स्कैम हो गया मेरे साथ, ये बाहर कैसे स्पॉन हो गया भाई, नहीं
नहीं, मुझे थोड़ा सा और रिसर्च करके आनी चाहिए थी। बीच में हमारे वार्डन भाई साहब थोड़े से मतलब बीच में स्पॉन हो गए। देख रहे हो मैं, अरे नहीं मेरी गलती थोड़ी है यार। यार मैं क्या, छोड़ो यार, कोई नहीं यार, ये वाला चैलेंज अभी फिलहाल के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं भाई लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि इतनी आसानी से मार दूंगा वार्डन को, पर अभी करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे वीडियो में इसको। बस हवा निकल गई। खैर छोड़ो, चलो जो हुआ वो किसी ने ज्यादा ज्यादा देखा नहीं है किसी ने, छोड़ो चलो उसको। बब भाई ओके, एक रेड करो अपने हार्डकोर वर्ल्ड में, वो भी आयरन आर्मर के साथ विदाउट एंचेंटमेंट्स। अच्छा, विदाउट एंचेंटमेंट आयरन आर्मर के साथ एक रेड जीतनी है, और हार्डकोर वर्ल्ड में शायद 7 या 8 रेड होती हैं उस हिसाब से। अच्छा चैलेंज दे रहे हो तुम मेरे को, और नीचे भी कुछ लिखा है, अगर ये एक्सेप्ट किया तो मैं सब्सक्राइब करूंगा। ओके देखो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सब्सक्राइब करो अभी के अभी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा वो आगे देखेंगे, लेकिन पहले सब्सक्राइब करो। वैसे तो आपसे नहीं भाई, सब लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मेरे से नहीं होगा भाई, कैसे कैसे नहीं होगा। वैसे पहला चैलेंज देख के तो नहीं, ये वाला होगा, ये वाला पक्का करूंगा भाई, देखना ये वाला तो कंप्लीट करना है अपने को। अच्छा नीचे भी कुछ लिखा है, एक्सेप्ट किया तो वर्ल्ड तो डिलीट होना ही है भाई। देखो तुम, अब देख भाई, तू एक्सेप्ट कर लिया ना, अब देख तू, अब देख मैं क्या करता हूँ। देख अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख देखो ये वाला चैलेंज वार्डन वाले चैलेंज से ज्यादा डिफिकल्ट है भाई, उसमें तो कम से कम तुम्हारे पास आर्मर तो था, तुम उड़ के भाग भी सकते हो, लेकिन इसमें तो भाई कोई चांस ही नहीं होगा मेरे पास। सबसे खतरनाक मुझे यही चैलेंज लग रहा है कि यही होने वाला है। मुझे आयरन के आर्मर में एक रेड जीतनी है, जो कि मैंने भाई इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बार जीती है, जो सबसे पहले मेरे 100 डेज की वीडियो नहीं बनाई थी इस वर्ल्ड में हार्डकोर में, तब मैंने जीती थी वो। उसके बाद जितनी भी रेड कराई है वो सारे रेड फार्म में हो जाती है, तो मतलब एमरल्स वगैरह मैंने वहीं से लिए, सारे एमरल्स हो गए, ये टोटम हो गए, सारे उसी से लेता था भाई। इस बार तो टोटम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बाकी मुझे आयरन का आर्मर लेना है ना, तो एक काम करते हैं अपना, जो भी ये वाला आर्मर है इसको मैं डाल देता हूँ सबसे पहले एंडर चेस्ट में, इसको इसमें डाल देते हैं। देख लो भाई मैं इसका यूज नहीं करने वाला हूँ, कहीं तुम्हें लगे कि मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आर्मर को जगह ही नहीं बची भाई, ये इसमें क्या कर रही है, चल इसमें तू। देखो भाई ये गलती मेरी नहीं है, देखो भाई ने लिखा है कि आर्मर आयरन का यूज करना है, टूल्स कौन से यूज करने ये नहीं लिखा। देखो भाई अब तो मैं ये वाले टूल्स यूज करने वाला हूँ, क्योंकि भाई आयरन के टूल्स यूज करूंगा तो भाई होगी भाई वो रेड खत्म, मेरी आखिरी हो जाएगी इस वर्ल्ड की, जो कि मैं करना बिल्कुल नहीं चाहता हूं। इसलिए मुझे आयरन का एक मतलब पहले सबसे पहले आयरन का मुझे अपने को आर्मर बनाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला फार्म थोड़ा सा आसान है, यहां से उठाओ एक। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं ज्यादा डैमेज, अच्छा मैंने कुछ पहना ही नहीं है भाई, क्या कह रहा हूं मैं अभी। सबसे पहले बना लेते हैं अपने लिए एक आयरन का आर्मर। देखो मैं नेदरराइट का टूल्स यूज करके इस चैलेंज को आसान बना सकता हूँ, भाई की गलती है, लेकिन मैं नहीं करने वाला ऐसा, मैं आयरन के टूल्स ही यूज करूंगा। थोड़ा सा और मुश्किल बना देते हैं भाई चैलेंज को, जो होगा देखी जाएगी। मैं अपने सारे टूल्स इसमें डाल देता हूँ, ये वाले सारे टूल्स इसमें डाल देते हैं, वो भी मैं नहीं यूज करने वाला। देखो कोई मैंने आर्मर नहीं लिया, सारे नए आर्मर बनाए जाएंगे, वो भी आयरन के, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी लकड़ियां भी चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने सारे टूल्स बना लिया, 2 मैंने यहाँ पे वो भी बना लिए, कोई रिस्क लेना नहीं अपने को, क्योंकि बाकी भाई देखो ये चीज तो मैं पक्का करने वाला हूँ भाई, मुझे गोल्डन एप्पल चाहिए भाई, बिना विदाउट गोल्डन एप्पल भाई अपना काम नहीं होने वाला। अपने पास गोल्ड की कमी, यस थोड़ी सी मेरे पास बचे थे, मेरे पास येलो वाला सिल्कर बॉक्स मेरा ये रहा ना, क्या कर रहा हूँ पहले तो मैं बिना ही लाइटर पहने, अपना थोड़ा सा गोल्ड इसमें बचा होगा, यस इसमें थोड़ा सा गोल्ड बचा हुआ है, जिससे मैं थोड़े से गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ सोच रहा हूँ। देखो अब मैं फुल्ली रेडी हूँ उस रेड के लिए, मेरे पास फुल्ली आयरन का आर्मर है, क्योंकि एंचेंटमेंट नहीं लगी हुई है, भाई ने मना किया एंचेंटमेंट नहीं लगानी है तो मैंने नहीं लगाई है, और मेरे पास यहाँ पे टूल्स भी नए हैं जिन पे कोई भी एंचेंटमेंट नहीं लगी हुई है, बस मेरी एक इलाइट्रा है जो कि मैं नहीं यूज करने वाला हूँ। मुझे पता है तुम लोग यूज बोलोगे अगर मैंने यूज कर ली तो, इसलिए मैं इलाइट्रा भी यूज नहीं करने वाला हूँ। बस ये टोटम है जो मेरी जान बचा सकते हैं, जो कि मैं एकदम प्रॉपरली वन, और ऐसा भी मैं बिल्कुल नहीं करने वाला कि ब्लॉक्स के ऊपर चढ़ के मैं उनको मार रहा हूँ, एकदम 1-to-1 फाइट लेने वाला हूँ मैं। कहीं यार इतना जोर से मैंने बोल तो दिया, बस ये फाइट मेरी आखिरी फाइट ना हो यार इस वर्ल्ड की। अब यार वहां जाने के लिए तो मुझे लाइटर यूज करनी पड़ेगी भाई, रेड कराने के लिए बस यूज कर रहा हूँ, उसके बाद लाइटर नहीं यूज करेंगे, बस उसके बॉस को मार के मुझे इस वर्ल्ड में मतलब अपने इस विलेज में वापस आना है, उसके बाद लाइटर उतार दूंगा बस। बॉस जी कहाँ पे हो, तुम्हारा बॉस मुझे नहीं दिख रहा है भाई, ये ना इसका बॉस ना एकदम का काम चोर आदमी है भाई, कभी होता ही नहीं भाई जब जब मैं यहाँ पे आता हूँ। यस फाइनली मैंने इसको निपटा दिया, बस बस मुझे रेड करानी है, लाइटर उतार दूंगा उसके बाद। भाई डर तो लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, बट चलो कोई नहीं भाई, जो भी देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, फाइनली रेड होने वाली है। अरे नहीं यार शिट,
मैं इधर आ गया यार, मुझे इधर से नहीं आना चाहिए था, मेरे रेड फार्म में एक्टिवेट होगी यार। एक क्या सीन हो गया भाई, अब मुझे ये वाली रेड पहले खत्म करनी पड़ेगी यार। क्या सीन है यार, ये सारे ऊपर स्पॉन हो गए होंगे अब। यहाँ भी कोई नहीं आया, यहाँ भी कोई नहीं आया, रेड भी खत्म होगी भाई, क्या हुआ पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया, पर चलो जो भी हुआ है मैं बच तो गया। अरे नहीं, यहाँ रेड एक दिखा रहा है, पर एक बंदा मैं ढूंढू कैसे बे, और वो बंदा कहीं है ही नहीं, मुझे उड़ के देखना पड़ेगा लग रहा है। ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर कोई आया भी है वैसे ही, देखो यहाँ कोई नहीं आ रखा है, लेकिन यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा अपने को। भाई ये क्या सीन हो गया यार अपने साथ, यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, इधर भी कुछ नहीं हो रखा, बस इधर ही आ रहा है भाई ये एक। लो रेडर रिमेनिंग वन, पर है कहाँ भाई, ये कैसे पता चलेगा वो भाई, कहाँ है यार रेडर, इसका कैसे, अब इसका क्या इलाज है भाई, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। ऊपर रिमेनिंग वन दिखा रहा है, पर यार उस उधर तो कोई आया ही नहीं है। अब एक मिल्क पी के काम हो जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं होता यार यहाँ पे तो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई, इस फार्म भी फार्म खराब हो गया क्या मेरा, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, थोड़ा दूर से चलते हैं और एक और बार रेड करके आते हैं, मतलब एक और बार हमला बोल के आते हैं उनके पास। यस फाइनल इनका बॉस आ गया, इसको भी फाइनल निपटाते हैं। यस दोबारा से एक्टिवेट हो चुका है, और इस बार मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, एकदम घूम के जाएं। अरे इस वाले विलेज में नहीं, इस वाले विलेज में एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा घूम के आया, अपने फार्म से काफी दूर था भाई, इस बार मेरे सबसे सक्सेसफुल हो जाएगी ये रेड। यस फाइनली मैं विलेज में आ चुका हूँ, क्योंकि रेड एक्टिवेट होने वाली है। यस रेड हो चुकी है, बस अब अपने को लड़ना है। मुझे पता है भाई अपना काम गंदा ही खराब होने वाला है, बाकी मेरे पास इसका कोई वो नहीं है। लाइटर उतारो, चेस्ट प्लेट पहनो, रेड फाइनली एक्टिवेट हो गया, मुझे भाग भाग के सिर्फ लड़ना है। और वैसे भी हार्डकोर में भाई बहुत ज्यादा रेड होती है, 6-7-8 तक भी रेड होती है भाई, बाकी मुझे वो दिख चुके हैं दरिंदे, बस इनको निपटाना, बस आ जाओ तुम, आ जाओ फाइनली, देखो भाई। बस मुझे इवोकर से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, वो ज्यादा खतरनाक रहता है, बस इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको तो मैं ऐसे निपटा दूंगा भाई। आयरन भाई अब पता चल रहा है आयरन आर्मर कितना बेकार होता है भाई, इन्हें एथराइट का यूज करता था ना इतने दिनों से, एक एक हिट में मर जाते थे, अब पता चल रहा है कि खतरनाक तो है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा सेफली खेलो, सेफली खेलो भाई। यस फाइनली अपनी पहली रेड सक्सेसफुल हो चुकी है, दूसरी रेड होगी। किधर से आ रहे हो, किधर से आ रहे हो, जल्दी बताओ भाई, थोड़ा दूरी बना के रखूंगा इनसे मैं, बस वो सांड आता ना भाई वो ज्यादा डराता है, उसे थोड़ा सा बच के रहेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं ये मैं चीटिंग कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, बस भाग रहा हूँ भाई, मैं भाग रहा हूँ, नहीं कर रहा चीटिंग भाई, तुम बोलोगे मैं चीटिंग करता, चीटिंग नहीं करनी अपने को, भाग भाग के लड़ेंगे, रुको। यस फाइनली मैंने दूसरी रेड भी कंप्लीट कर दिया भाई, पिछली बार तो हल्की सी चीटिंग हुई, ज्यादा नहीं हुई, इतनी नहीं भाई, मैं घर में घुस गया था, पर कोई नहीं भाई, मैंने उधर से किसी को मारा नहीं, सिर्फ एक दो यारों मारे थे, बाकी चलो कोई नहीं, तीसरी रेड पे फोकस करते हैं। अरे नहीं 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 भाई नहीं नहीं, यहाँ से आ गया भाई, जहाँ मैं भाग रहा हूँ वहीं से आ रहे हैं भाई, कितने बदतमीज हो गए भाई, इससे बच के रहना, बस इस गेंडे से बच के रहना भाई, ये बड़ा गंदा मारेगा। नहीं 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 नहीं, दूरी बनाए रखो इससे तो भाई, नहीं इससे बच के रहना भाई, ये बड़ा भाई, इससे मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मुझे पता है ये एक हिट में मेरे को मार देगा, इसलिए मैं भाई ये तू यहाँ क्या कर रहा है, गधे पूरा ही गधा है, रेड के बीच में ट्रेड कराने आया, बताओ कितना भाई, और कोई काम नहीं है कि तेरे को रेड के बीच में पंगे ले रहा है, तुझे पता तेरी हालत, मैं क्या करूँगा, रुको रेड के बाद करूँगा, लेकिन भाई नहीं मैं कहाँ फंस गया भाई, नहीं मैं पानी में गिर गया, मर गया क्या, मर गया भाई, किस टाइम पे मरा, जैसे मैं पानी में गिरा वैसे ही मर गया भाई, क्या मतलब किस्मत तो थी भाई, यहाँ पे थोड़ी सी एक बचा है बस भाई, अब पता चल रहा माइनक्राफ्ट सही में कितनी ज्यादा हार्ड है भाई, हार्डकोर में आयरन के आर्मर के साथ, तो बाकी ये चचिंदर बचा हुआ है, इसको तो ऐसे ही मिटा दूंगा मैं, अब तो निकल गया। यस चौथी रेड भाई, तीन रेड मैं जीत चुका हूँ ऑलरेडी, इस बार तो शायद इवोकर भी आएगा मेरे हिसाब से भाई, ये देखो भाई इस घोंचू को यहाँ पे आ रखा है, समझ नहीं आ रहा यहाँ पे विच स्पॉन हुई है, पर वो विच दिख नहीं रही है, पता नहीं क्यों, देखो बार बार वो पोशन तो फेंक रही है, पर किधर से भाई, ये तो बताओ तुम, आज अंदर इसके अंदर स्पॉन हो गई क्या, मुझे ऐसा लग रहा है भाई, इसके अंदर विच स्पॉन मेरे डायमंड टेम्पल के अंदर स्पॉन हो गई है, देखो यहाँ से दिख रहा है, आज एक विच तो बाहर आ गई अपने आप, पता नहीं कहाँ से आई है पर बाहर आ गया, अभी स्पॉन हो गया शायद मेरे हिसाब से, इसको मैंने निपटा दिया, घोंचू लोग अंदर स्पॉन हो रखे, बताओ अब तो तुम भाई, मेरी गलती नहीं, ये नहीं की गलती है, इनको तो मैं ऐसे ही निपटाऊंगा। यस फाइनली ये रेड भी कंप्लीट हो चुकी है, 5वीं रेड होने वाली है भाई साहब, कितनी रेड होंगे, एक बार मैं सो के आया था भाई, रात में नहीं लड़ना अपने को, क्योंकि इस रेड में शायद इवोकर आया मेरे हिसाब से, पर मुझे दिख नहीं रहा शायद नहीं आया, इस वाली रेड में भी कोई इवोकर आया है या नहीं आया, दिख तो रानी है, बाकी सामने एक मुझे ये भी दिख रहा है, इसको सबसे पहले इसको निपटाते हैं, पीछे से कोई नहीं आना चाहिए, रुको एक मारो भागो यहाँ से, पीछे आएगा तो, अरे नहीं 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 भाई नहीं भाई, 50% हेल्थ पे आ गया था,
नहीं 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 भाई, इससे तो इससे बच के रहना भाई, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो भाई यार। ऊपर से बारिश भी हो रही है मेरे हिसाब से यार, बारिश का ना सबसे बड़ा यही दिक्कत है भाई, मॉब्स भी स्पॉन होंगे, अब इनसे भी मुझे बच के रहना पड़ेगा भाई, क्या सीन है यार। अरे नहीं नहीं, पानी में नहीं, पानी में तो नहीं, पानी में नहीं गिरना भाई, कहीं भी गिर जाए बस पानी में नहीं। भाग भाई, बच गया बच गया भाई, बच गया। उस गेंडे से बच के रहना भाई, बहुत खतरनाक है वो, मेरे पीछे ही आ रहा है, मुझे दिख रहा है भाई, दिख रहा है मेरे पीछे ही है, बट मैं भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला भाई इसको। इवोकर को मैं यही अच्छा रहेगा कि मैं दूर से निपटा दूं भाई, ये अपनी वैक्स छोड़े उससे पहले मैं इसको यहीं से निपटा दूं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो विलेजर को मारने में बिजी है इसलिए तो उसको वहीं पे परेशान रखते हैं, इनको यहीं से निपटा देता हूं पहले। और नहीं भाई, भाई क्या डैमेज दिया इसकी एक्स ने, दो दो बंदे इसलिए ज्यादा हेल्थ, मेरा सीन खत्म होने वाला है ऐसा लग रहा है, मैं खा नहीं सकता भाई पीछे। नहीं नहीं भाई, गया मेरा टोटम, गया मेरा टोटम, गया भाई, कैसे मारा जाए इसको, रुको मुझे खाना खाने से पहले एक तीर। अरे नहीं भाई, इन्हीं एक्स वालों से सबसे ज्यादा डर है इस। अरे नहीं भाई, जस्ट मेरे पीछे है, अब तो जाएगा ये, अब जाएगा, गया फाइनली भाई, इनसे सही में बहुत डर लगता है भाई, ये एक्स वाले एक हिट मारते हैं और अपनी आधी हेल्थ डाउन भाई, भाई मेरा आर्मर भी ऑलमोस्ट आधा डैमेज हो चुका है, बाकी भाई थोड़े बहुत और बाकी। भाई सही में रेड थोड़ी तो भाई चैलेंजिंग है, अगर मैं 1v1 फाइट लूंगा ना डायरेक्ट तो मुझे पता है मैं नहीं मार पाऊंगा सबको, उसको मैं दिख नहीं रहा हूं ना इवोकर को, देखो भाई ये सबसे बेस्ट चीज हो रही है। यस फाइनली इवोकर गया, फाइनली इवोकर को मैंने मार दिया, अब मैं किसी से नहीं डरने वाला, अब दिखा दो भाई जो भी है, तू भी निकल। अरे नहीं, तू तेरे से डरता हूँ, तेरे से भी डरता हूँ भाई, थोड़ा सा डरता हूँ तेरे से भी डरता हूँ, इतना देर तक नहीं डरूंगा, आ जा सकल दिखा, बस इतना ही डरता था बस। और पता नहीं भाई ये कौन सी रेड मैंने खत्म किया, शायद छठी हुई है भाई, छठी या सातवीं पता नहीं कौन सा, छठी हुई है मेरे हिसाब से खत्म। बाकी भाई ये आने अभी भी बंद नहीं होने वाले क्योंकि मेरे हिसाब से 8 रेड होने वाली है, ये सातवीं है मेरे हिसाब से, मैं बताऊ इतने लड़ने में इतना बिजी हो गया मैं भूल ही गया कि कौन सी रेड होने वाली है। पीछे से आगे भाई, ये दो इवोकर आए, इवोकर से बच के इवोकर से दूरी बनाए रखो भाई तभी अच्छा है। ओ भाई ये क्या डैमेज था भाई, ये तो सही में बहुत खतरनाक है भाई, ऑलमोस्ट मरते मरते बचाऊं भाई, ये तो ऑलमोस्ट खत्म था भाई अपना गेम। यस फाइनली ये रेड भी खत्म हो गया भाई, इवोकर के साथ तो भाई इतना गंदा धोखा कर दे रहा हूँ मैं, दूर से मार दे रहा हूँ भाई इसको तो, बस ये शायद मेरे सबसे आखिरी रेड हो, ये 8वीं रेड है मेरे हिसाब से, तो ये आखिरी होनी चाहिए भाई, ये आखिरी नहीं हुई तो मेरी बैंड बच जाएगी इसके बाद, क्योंकि इसमें शायद 2 या 3 इवोकर आएंगे और ऊपर से वो भी आएगा भाई गेंडा सांड। किस साइड से आ रहे हो भाई ये बताओ पहले तुम, उस साइड से आए हो भाई, इस साइड से आए हो तो मुझे इस साइड भागना पड़ेगा, थोड़ा दूरी से मारेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अरे भाई साहब दो सांड आए, वो भी इवोकर ऊपर बैठा हुआ, वो भी पानी के अंदर, फिर इसी का फायदा मुझे उठाना पड़ेगा, मुझे दूर से निपटाना पड़ेगा ये वो करके सबसे पहले। भाई निशाने परफेक्ट है तुम्हारे भाई के, कुछ भी कहो। बाहर कैसे आ गया तू, पानी से बाहर कैसे आ गया भाई, ये ले फिर बाहर आया तो। अरे नहीं 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 भाई, ये मार रहा है क्या, घुमा नचा नचा के मार रहा है भाई ये तो। अरे ये ले, अरे नहीं नहीं भाई नहीं, ओ भाई सही में आर यू सीरियस भाई, मैं मजाक कर रहा था भाई, तू तो ज्यादा गुस्सा हो गया भाई, तू गुस्सा हो गया है, गुस्सा मत हुआ कर भाई मेरे सामने, मैं नहीं नहीं, ओ भाई नहीं 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 नहीं, पहले भागो भाई, खाने बैठा तो भाई ये मेरे को खा जाएगा भाई, भागो भाई, उस साइड भी नहीं जा सकते यार, उस साइड तो सारे स्पॉन हुए हैं, थोड़ा सा दूर रहूं तब खाऊंगा खाना, बस थोड़ा सा दूर हूँ बस, फाइनली हेल्थ फुल करो सबसे पहले तो। भाई ये घूम घूम के कह नचा नचा के मारते हैं, ये भी तो देखो इनको, एक है बस भाई, जाते जाते एक मार के भी गया है। और दोस्तों पार्टी चल रही है, पूल पार्टी चल रही है, बताओ और कैसी चल रही थी मेरी पूल पार्टी। बाकी मेरे भाई एरोज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, 63 और 3 भाई, बहुत कम बचे हैं, बस एक इवोकर रह गया, इसको निपटाओ पहले। यस फाइनली विक्ट्री अब हो जानी चाहिए। यस फाइनली भाई तुम्हारे भाई ने आयरन के आर्मर के साथ विद आयरन के टूल्स के साथ फाइनली ये चैलेंज भी कंप्लीट कर डाला, लेकिन हालत अपनी भाई सही में टाइट जरूर हुई भाई, 2 बार शायद मेरे टोटम यूज हुए, अब मुझे समझ में आया माइनक्राफ्ट गेम सिर्फ नेदरराइट के आर्मर के साथ ही आसान है भाई, आयरन के आर्मर के साथ खेल के देखो, वो तो सही में हार्डकोर वर्ल्ड सही में खतरनाक है। बाकी ये सब अब सस्ते में सामान दे देंगे पर इसकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास एमरल्ड का फार्म है, बस ये चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया भाई, सही में इस चैलेंज में दोबारा नहीं करने वाला भाई, 2 बार तो मरते मरते बचाऊ मैं। और ये तो अच्छा है मैंने इवोकर को थोड़ा ट्रिक से मारा, वरना भाई अपनी वाट लगने वाली थी। बाकी इस आर्मर को भाई सजा के रखा जाएगा क्योंकि इस आर्मर ने ऐसी विक्ट्री दिलाई है ना, इसको फिलहाल इसी में डाल दो भाई, ये सारी चीजें इसी में डालो। फाइट विद 1000 विच जो आपने कैप्चर की थी वो भी एक साथ, अच्छा हाँ जो मैंने 1000 विच को मैंने ट्रैप किया था उनके साथ फाइट करने को कह रहा है, ओके प्लीज ट्राई माय चैलेंज, टेक माय
ओके प्लीज टेक माय चैलेंज। ले लिया भाई तुम्हारा चैलेंज ले लिया। तुम ऐसा तो नहीं कह रहे ना निकी, रुको रुको मुझे पढ़ने दो पूरा। अगर आपने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया तो आपका हार्डकोर वर्ल्ड टाटा बाय 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 बाय। ऐसा मत करो, मेरा हार्डकोर वर्ल्ड मुझे नहीं खत्म करना भाई। चलो कोई नहीं वाला चैलेंज भी देखते हैं इसमें क्या होता है अपने साथ। होपफुली मेरा हार्डकोर वर्ल्ड खत्म ना हो यार। देखो ये चैलेंज जिसने भी दिया है ना भाई, तुम चाहते क्या हो भाई? तुम चाहते क्या हो कि मैं हार्डकोर वर्ल्ड मेरा खत्म हो जाए भाई, मैं मर जाऊंगा अपने हार्डकोर वर्ल्ड में? भाई देखो ऐसे ऐसे चैलेंज देते हैं भाई। ये 1000 विच के साथ फाइट करूं, वो भी देखो मैंने मतलब मैंने कलेक्ट की थी, मैं मानता हूं मैंने जमा की थी, इसलिए की थी वो मुझे भी नहीं पता। बाकी चलो आज तो काम आई जाएंगी भाई। सब मिलके मेरा वर्ल्ड खत्म कराना चाहते हैं, पर कुछ भी हो जाए भाई अपन भी पंगे लेंगे और लेकिन मरेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता मैं हीरो ऑफ द विलेज बन के मर जाऊं, इसलिए थोड़ा सा बाल्टी में दूध लेके खत्म करेंगे इसको। गोल्डन एप्पल की जरूरत पड़ेगी मेरे को, हो सकता है पड़ सकती है, क्योंकि वो होता है ना क्या बोलते हैं वो पॉइजन का इफेक्ट वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे हेल्थ वगैरह अपने को मिलेगी नहीं, तो वो भी कर लेंगे सही रहेगा। काम करते हैं सारा ले लेते हैं भाई, जितना भी गोल्डन एप्पल है अपने पास गोल्डन एप्पल ही खाएंगे भाई, रिस्क लेना ही नहीं है क्योंकि अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। देखो यहाँ पर अगर मैं मरा ना तो इसका कारण ये नहीं होगा कि मैं उनसे फाइट नहीं कर पाया, इसका मेन रीजन होगा कि लैग, क्योंकि देखो भाई 1000 विच के सामने अपना गेम बहुत ज्यादा लैग करेगा और जिस साइड कम है ना मैं उस साइड से हमला करने वाला हूँ, इस साइड से चलेंगे। और देख रहे हो भाई साहब क्या ही उधम मचा रखा है इन्होंने भाई, इनसे फाइट करना एक तो आवाज मेन दिक्कत आवाज की भी होगी यार। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। भाई कहाँ तक फेंक भाई, क्या सीन है ये? पर कोई नहीं भाई, मैं निपटाऊंगा इनको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ, बस मुझे हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। कितनी सारी विच है, नहीं मार पाऊंगा मैं, नहीं मार पाऊंगा, मुझे भागना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, नहीं गलती कर दी मैंने भाई, नहीं मैं नहीं चाहता मेरा हार्डकोर वर्ल्ड खत्म हो भाई। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि इलाइट्रा पहनो। ओ भाई क्या बच के निकला हूँ भाई, भाई मैं मरते मरते बचा हूँ भाई, सही में मेरा भी हार्डकोर वर्ल्ड खत्म हो गया। तो भाई कितने सारे मैंने गोल्डन एप्पल खा लिए वहाँ पे, फिर भी कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा उनको। भाई जिसने भी चैलेंज दिया ना उसको पता है मेरा हार्डकोर वर्ल्ड खत्म हो जाएगा मैंने ये किया तो, पर यार मुझे करना तो है, अब चैलेंज ले लिया है तो जो होगा देखी जाएगी भाई। लेकिन मैं हाँ ये चीज कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा ना अकल का इस्तेमाल करूंगा भाई, धीरे धीरे मारेंगे इनको, मतलब जैसे हेल्थ कम होने वाली होगी ना थोड़ा सा टाइम लेके बाहर आ जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे मारने। अब ये काम करते हैं थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं कि किस साइड मुझे जाना चाहिए। देखो इस साइड है ना, इस साइड कम है काफी ज्यादा, कल इस साइड निपटा देते हैं इनको भाई। ये है ना कि इनकी हेल्थ भी तो होती है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे रुको 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 भाई, नहीं भाई बच गया भाई बच गया, मैंने इलाइट्रा पहन रखी थी हटाई नहीं मैंने यार, ये ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है अपने को। एक और बार मैं जा रहा हूँ हमला बोलने, लेकिन एक सेकंड पहले इसका काम तमाम करें। बीच में कैसे आ गया है, बीच में कैसे आई है तू, बीच में आने का हो ही नहीं रहा तुमसे। अरे नहीं बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि मारेगी मेरे को तू है, बट चलो कोई नहीं, एक बार हमला और बोल देते हैं बीच में आके। नहीं भाई नहीं, ये नहीं कर सकता मैं, ये नहीं कर सकता भाई, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। बस हवा निकल गई इस बार, तो ज्यादा कुछ मैं कर नहीं पाया। वन मोर ट्राई करते हैं। समझ गया भाई, नहीं
पॉसिबल नहीं है, मैं गया भाई ऐसे मर जाऊंगा, मेरा टोटम यूज हुआ भाई, मैंने काफी देर तक मारा उनको भाई, मेरे को नहीं लग रहा और वहाँ पे कोई भी विच मरी है भाई, उनको मैं थोड़ा सा डैमेज दे रहा था, वो मतलब हेल्थ का सायरन के पास पोर्शन होता है ना, वो उसको दोबारा रिजनरेट कर दे रही है भाई। ये तो चैलेंज भाई जिसने भी दिया है काफी ज्यादा सोच समझ के दिया है कि आज इसका वर्ल्ड खत्म करा दो भाई। मैं जरा देखूं एक बार कि कितनी विच मरी है भाई, मरी भी नहीं है, कुछ असर भी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, तो जितनी थी उतनी ही की उतनी ही लग रही है भाई मेरे को तो, ये मेरे को नहीं लग रहा कि कम हुई है कुछ। देखो भाई झुंड और ज्यादा बढ़ गया क्या भाई? नहीं मुझे पता चल चुका है, मैं एक बार अपनी बेइज्जती करा चुका हूँ दोबारा, अफसोस अपना ये चैलेंज भी नाकाम रहा। देखो मुझे इतना तो पता चल गया मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, अगर मैंने फाइट करी तो मुझे पता है मेरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, और ये वर्ल्ड मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है भाई, मैं नहीं चाहता ये वर्ल्ड मेरा खत्म हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ भाई मेरा वर्ल्ड खत्म हो जाए यार, ये कोई नहीं यार मैं नहीं कर पाया चैलेंज, मुझे लग ही रहा था ये चैलेंज थोड़ा सा, मुझे लग रहा था ये चैलेंज थोड़ा इजी होगा भाई, 1000 विच कोई तो मानना अपने पास स्वाड़ा है, गोल्डन एप्पल लेके जाएंगे और इजीली मैं निपटा दूंगा, पर ये तो थोड़ा उल्टा ही पड़ गया यार। तो यहाँ पर 3 में से मैं सिर्फ एक ही चैलेंज को कम्प्लीट कर पाया, बाकी अगर तुम्हारे दिमाग में भी कुछ खुराफाती चैलेंजेस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले वीडियोस में उन चैलेंजेस को भी अटेम्प्ट किया जाए, जो होगा देखी जाएगी, मरेंगे कंप्लीट होगा जो होगा देखी जाएगी। बाकी यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको यार वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।